आज अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम है। आधी रात से ही श्रद्धालुओं का हुजूम पावन रामलला सरयू में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। बता दें कि दोपहर 12 बजे मंदिरों में राम जन्मोत्सव संपन्न होगा। मंदिरों में भजन कीर्तन और बधाई गीत गाए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से जन्मोत्सव काल में 1.5 क्विंटल पंजीरी, 51 किलो पंचामृत, फल और मिठाइयों का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। बढ़ती भीड़ को बढ़ते देख प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं बड़ी काली मंदिर चौक लखनऊ में, जहां हमारी संवाददाता वर्तिका हैं इस वक्त मौजूद, और देखते हैं कि लखनऊ में क्या कुछ भीड़ है, क्या कुछ रंग है रामनवमी पे। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, अभी आप काली मंदिर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं आप हमें वर्तिका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौक के बड़ी काली मंदिर में मौजूद हूँ। आज अंतिम दिन है चैत्र नवरात्र का, आज ही के दिन अष्टमी और नवमी भी मनाई जा रही है, और साथ ही में ये दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही रामनवमी भी है। रामनवमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज ही भगवान विष्णु जी के जो 7वें अवतार हैं भगवान राम जी, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में रावण के जो अत्याचार हैं उनको समाप्त करने के लिए राम जी का जन्म हुआ था। तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस मंदिर में आए हुए हैं बड़ी काली मंदिर में, जहाँ पर भक्तों का आना सुबह से ही शुरू हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है पुलिस प्रशासन की। आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए यहाँ पे अलग लाइन लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है, और हम आपको आगे जो माता का दरबार है वो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भक्त हैं पूरा माहौल भक्तिमय है, माता के जयकारों के साथ में यहाँ पे लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं वो, और जो मंदिर है माता जी का बड़ी काली जी का वो पूरी तरीके से सज संवर के तैयार है। फूलों की माला से दरबार को पूरा सजाया गया है, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है आप देख सकते होंगे। और जो भक्त हैं वो यहाँ पे देवी जी के जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। जी जी वर्तिका, अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि हमें मंदिर के दर्शन कराएं, क्योंकि 9 दिन तक ये उत्सव रहता है, बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। हम कैमरे की मदद से दर्शकों को दर्शन ज़रूर कराना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो मंदिर के दर्शन कराएं जो दर्शक हैं वो, ताकि देख सकें कि मंदिर में जो माता जी हैं उनको उनका लहंगा और जो चुनरी है उनसे पूरा उनका श्रृंगार किया गया है। आप थोड़ा जूम करके अगर दिखा सकें कि अंदर जो भक्त हैं वो जा रहे हैं माता जी के दर्शन कर रहे हैं, फूलों से, चुनरी से, चूड़ियों से और सिंदूर से देवी जी का श्रृंगार किया जा रहा है। जी सर जी, तो अगर बात करें वहाँ पे मुहूर्त की, पूजन की, और क्या आपकी बात हो पाई है पुजारी से वहाँ पे मौजूद? क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे भी रामनवमी मना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी भक्त को यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी भक्त को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। खास तौर पे इस मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि ये लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके अगर वो सच्चे मन से आराधना करते हैं तो उनके सभी जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोगों से क्या बात हो सकती है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उमंग है उनके अंदर? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे आपकी बात कराना चाहूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पे कितने दिनों से, आप कितने वर्षों से यहाँ पे आप आ रहे हैं मंदिर में? मैं तो पहली बार आया। आप पहली बार आए हैं, तो आपने यहाँ पे कुछ अपनी मनोकामनाएं जो मांगी होंगी वो यहाँ पे पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ का मानना? हाँ ऐसा तो है। तो आप दर्शन अभी करने जा रहे हैं? जी दर्शन करने जा रहे हैं। जी जी, आप बताइए कि यहाँ पे आप कितने वर्षों से आ रही हैं? हम यहाँ 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं? पूरी होती है जी।
तो बिल्कुल, आपने सुना कि जो भी भक्त हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पे आके उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती हैं और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जी वर्तिका, ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति है अगर उस रास्ते की बात की जाए? अगर कोई अभी दर्शक मौजूद है वो निकले घर से लखनऊ में मंदिर तक पहुँचना चाहे, क्या सुचारू है, रास्ते खुले हैं सब? जी जी जी, जो मंदिर का बाहर का जितना भी परिसर है वहाँ पे अगर देखा जाए, जो मंदिर चौक का जो एरिया है वो वैसे भी कहा जाता है कि काफ़ी कंजस्टेड होता है, लेकिन आज खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। जो पुलिस प्रशासन है या ट्रैफिक पुलिस का जो प्रशासन है, उन्होंने खास तौर पे ये ध्यान रखा है कि मंदिर में आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे में पूरा जो एरिया है मंदिर परिसर के आसपास का वो एकदम क्लीन करके रखा गया है कि वहाँ पे सभी भक्त आराम से आके दर्शन कर सकें। तो टीवी पे मौजूद दर्शक अगर देख रहे हैं उनका भी मन है माँ काली के दर्शन करने के लिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, संडे का दिन भी है। तो इसी के साथ वर्तिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए।